कौन पूछ रहा है आज? तो मतलब हम दोनों नहीं सारे कहाँ है रिया? 200 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, कितनी एक्साइटमेंट आने वाले दिनों की बढ़ चुकी है, और कैसा रहा ये 200 एपिसोड का सफर? काफ़ी अच्छा रहा, और बहुत मेहनत थी बहुत, पर ऐसा लगा नहीं कि कभी भी कि कुछ मतलब इतना टाइम बीत गया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, बहुत स्मूथली हो गया, तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट था। हाँ, और मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतनी जल्दी इतना टाइम हो गया और पता भी नहीं चला। आई थिंक हमें थोड़ा ज़्यादा वो मोमेंट्स को जीना चाहिए, लिव एवरी मोमेंट। ऐसा इफ़ यू डोंट स्टॉप एंड लुक अराउंड एंड पे अटेंशन, लाइफ ऐसे निकल जाती है। अब हम बताने बैठेंगे तो फिर तो सुबह ही वन और टू स्पेशल मोमेंट्स। जब चार पांच लोग हैं ये इस फैमिली के, ये जब साथ बैठते हैं जिसमें परुल मासी हो गई, जुगनू हो गया, नानको, मैं, तो मतलब किसी की शामत आई होती है या तो किसी का मजाक उड़ रहा होता है। हाँ, वो मोमेंट आई गेस हम अक्सर यहाँ सोफों पे बैठे होते हैं, और इवन आफ्टर शूट हमारा हमें कह दिया जाता है कि आपका सीन हो गया आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहीं बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं घंटों घंटों तक। आई गेस दैट इज समथिंग विच इज़ कमिंग इन टू माई माइंड कि हम कैसे कैसे होते हैं सेट पे, कितना इन्जॉय करते हैं। आई थिंक राजन सर ने जो भाइयों की बॉन्डिंग दिखाई है मैंने कहीं पर भी नहीं देखी, रियल लाइफ में भी नहीं देखी। और काफ़ी मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको भी बहुत फील होता है जब आप ऐसा करते हो, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग यू एज आर्टिस्ट एज वेल। दादा धक्का मत दो, बोलो मत बेटा, कैमकॉर्डर है इधर, अच्छा प्राइस है। करना पड़ा आगे हुआ पार्टी पॉपअप। दादा एक मिनट हिलाओ, सर आगे आइए सर। हाँ अभी हुआ, सामने सामने सामने, हाँ टीचर वाला हो गया। यस सर, एक बार कर लेता हूं।
थ्री चेयर्स फॉर कंप्लीटिंग ये रिश्ते हैं प्यार के 200 एपिसोड एंड इंशाल्लाह जल्दी से हम 2000 कंप्लीट करेंगे. थ्री चेयर्स फॉर इट. हिप हिप हुरे हुरे हुरे. कट करके सेलिब्रेट करके हमारे प्रोड्यूसर सर आए हुए हैं और हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे 200 एपिसोड कंप्लीट हो गए. एक अच्छी फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग है और सारी टीम की तरफ से, सारी यूनिट और एक्टर्स की तरफ से ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि आप लोगों ने हमें एक प्यार दिया और थैंक यू कि आज हम 200 तक पहुँचे. मगर हम सबकी मेहनत आज से शुरू होती है और कि हम और मेहनत करें, एक टीम स्पिरिट और एक और जगह बनाए दर्शकों में. नहीं अच्छा थॉट थे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट थे. नहीं नहीं आपने क्या सोचा था इस शो को लेकर, क्या सी आइडिया ये था कि बहुत काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी. जब विदाई एक शो बनाया था तो एक था कि इसका एक स्पिन ऑफ बनाओ, बट कभी भी वेरी ऑनेस्टली एक अच्छी स्टोरी, अच्छे यू नो एक कि हाँ ये बनाना है, ये क्रैक नहीं हो पाया था. एंड ये रिश्ता कहलाता है जैसे एक ब्रांड नेम है, बट बहुत टाइम तक ये था कि कोई अच्छी स्टोरी विद स्ट्रॉन्ग गुड कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे. सो देर वॉज नो हरी कि हमें स्पिन ऑफ बनाना है. और एक स्पिन ऑफ बनाने का क्या होता है आज के ज़माने में कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर ऑल्सो कि आपका एक ब्रांड है, आप वापस एक्सपेरिमेंट करो कि नहीं करो. बट आई थिंक सारी टीम, सारे क्रिएटिव्स, राइटर्स और जब चैनल को भी लगा कि एक बहुत अच्छी कहानी है कहने के लिए, बहुत अच्छे किरदार हैं जो इंडिविजुअली ऑल बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक नया टेक्सचर हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द मदर शो, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कर सकते हैं. तब एक अच्छे लोग आते गए साथ में और शो बन गया. एंड व्हाट डू यू फील नाउ, हैव वी अचीव्ड दैट? यस, थू बट माइल्स टू गो. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अ गुड टीम हैज कम, जिन सबका एवरीबॉडी टू ऑल द एक्टर्स प्रेजेंट हियर हु आर नॉट हियर टू द एंटायर टीम दैट अ गुड पॉजिटिव टीम हैज कम. मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग ऑन द सेट्स और ये मिले बहुत जरूरी है. लव दैट. नहीं नहीं, मेरे जाने के बाद और परफेक्ट हो जाएगा. कैरेक्टर वाइज आई डोंट थिंक कि मैं कुणाल जैसा कैरेक्टर करने का सोच भी सकता था, बिकॉज मैं अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ. एंड दिस वाज अ कैरेक्टर जो कि मतलब मूडी भी है, कभी कभी रूड भी हो जाता है. सो आई थिंक दिस वाज डिस्कवरिंग अ न्यू पार्ट ऑफ मी, डिस्कवरिंग अ न्यू साइड ऑफ मी. सो थैंक यू सो मच सर कि इतना मतलब मुझे खुद से मिलाने के लिए. एंड अभी जब ये बात कर रहे थे हम लोग, यही डिस्कस कर रहे थे कि अब पता भी नहीं चलता जो हमारा पहला आउटडोर था भुज में, वो लगता है जैसे कल हुआ था. वो एक्साइटमेंट, सवेरे उठना 5-6 बजे उठना और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ चल रहे थे उस वक्त. एंड ईच डे वाज लाइक एक्साइटिंग, न्यू थिंग्स हैपनिंग, कुछ बहुत फ्रेश कैरेक्टर्स सेट इन हो रहे थे बहुत अरसे के बाद. तो हमारी पूरी क्रिएटिव टीम भी वहाँ थी एंड इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस यू नो यू लुक बैक. सो आज वो एकदम से, जैसे दोनों ने जब बताया कि हमने कैसे शूटिंग स्टार्ट करी थी, तो एक्चुअली आज वो दिन एकदम से सामने फ्लैशेस आने शुरू हो गए. इट्स लाइक इट वाज यस्टरडे. यस्टरडे. तो एक चरक बोलने के 200 एपिसोड. हां जी. चरक हो जाए 200 एपिसोड. वो तो बहुत कर लिया. अभी आप इन सबके ले लो साथ में एज परफेक्ट जोड़ी. ओके थैंक यू गाइस. थैंक यू सर. बाय बाय गाइस. बाय. हमसे तो सवाल पूछ ले, एक और पूछ लो इसके बारे में. मैं आता हूं. सो गाइस टेल अस हाउ इज इट यू नो यूफोरिया देयर. पहली बार आई थिंक आप चारों एक दूसरे का काम भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे का काम करके कैसा लगा? शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यू. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई थिंक एक सेकंड. ओके. पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत अच्छे सीन्स किए. मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा कुणाल और अबीर के बीच में. हम खुद इनिशियली उतने कन्विंस नहीं थे, बट जब हमने करना शुरू किया तो नाउ इट फील्स लाइक यू नो कि इतने अमेजिंग भाई भी हो सकते हैं, वी नेवर थॉट. एंड या बाकी सारे जो भी सब कैरेक्टर्स के आपस में इक्वेशंस हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. हर एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में और हर एक कैरेक्टर उसका अपना एक से है, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो को बनाता है.
एक्चुअली हमें भी फाइट करते करते हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी इतना प्यार है, सोल सिस्टर्स बन गए हम. एंड एक्चुअली या कुहू एंड मिष्टी हैव आल्सो गॉन द लॉट ऑफ थिंग्स. और अभी मिष्टी भी कुहू को सपोर्ट करती, कुहू भी मिष्टी को सपोर्ट करती, वी आर लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आई थिंक कपल्स भी बुरे नहीं, ऑफ कोर्स सब भाई और बहनों की तारीफ कर रहे हैं, बट आई रियली लव देयर कपल एज मच एज आई लव आवर कपल. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी डिसफंक्शनल एक रिलेशनशिप मैं कभी भी दर्शाऊंगा. एंड प्लस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच क्योंकि दोनों का प्यार नहीं मिल पा रहा दोनों को, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच.